हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू भूगोल कथा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए 31 रेपुटेड स्कूल से वैकेंसी के अपडेट लेकर के आई हूँ, जहाँ पे टीचिंग एंड नॉन टीचिंग सभी पोस्ट है। एंड यहाँ पे कुछ कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी, एक दो यूनिवर्सिटी भी होगा। तो यहाँ पे देखिए, दिल्ली पब्लिक स्कूल, माउंट लिटरेसी स्कूल, ऐसे करके बहुत सारा रिप्यूटेड स्कूल्स का वैकेंसी की अपडेट मैं लेकर के आई हूँ, जो कि है वेस्ट बंगाल, झारखंड एंड अदर स्टेट से। कोई भी स्टेट से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। एंड दोस्तों, आप अगर मेरे चैनल पे नहीं हैं तो आप लोग एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और वीडियो का कंटेंट आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे तो एक लाइक एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और ऐसे ही बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है अगले 2-4 मंथ्स में, 2-4 मंथ्स में बहुत सारा वैकेंसीज टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट का आने वाली है बहुत सारी स्कूल से। तो मैं अपडेट देती रहूँगी, आप लोग चैनल का वीडियो देखते रहिएगा और बेल आइकन दबा करके रखिएगा सब्सक्राइब करके, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन मैं अपलोड करूँ आप लोगों तक पहुँच जाए, ठीक है। तो बहुत सारे वैकेंसीज आने वाली हैं, आप लोग अच्छे से प्रिपेयर हो जाइए, प्रिपरेशन लेते रहिए डेमोन्स्ट्रेशन एंड रिटन टेस्ट का। अच्छी सैलरी, अच्छी प्लेसमेंट के लिए दोस्तों आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर रहना पड़ेगा। एंड रिटन टेस्ट तो बहुत सारा, जो अच्छी सैलरी होती है रिप्यूटेड स्कूल्स में, वहाँ पर रिटन टेस्ट तो लिया जाता है। एंड अगले सब मंथ्स पे DPS एंड TAB से परमानेंट पोस्ट निकलने वाली है। तो जो भी आप लोग परमानेंट पोस्ट गवर्नमेंट के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं या प्राइवेट के लिए ही प्रिपेयर हो रहे हैं, वहाँ के लिए रिटन टेस्ट तो लगेगा ही दोस्तों। तो रिटन टेस्ट, डेमोन्स्ट्रेशन टेस्ट एंड इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर होते रहिए। इंग्लिश थोड़ा थोड़ा करके मिरर के सामने प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो चलिए चलते ही इस वैकेंसी सभी का जो अपडेट है बहुत ही शॉर्ट वे में चेक कर लेते हैं। मैं एक ही वीडियो के अंदर सारा डिटेल्स कवर करती हूँ, तो आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आप लोग वीडियो का स्पीड बढ़ा करके देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, डिटेल्स कवर कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, सारा डिटेल्स मैं नहीं पढ़ूंगी, आप लोग वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि आप भी बोर्ड हो जाते होंगे और वीडियो भी बहुत लंबी हो जाती है, तो इसलिए मैं सारा डिटेल्स नहीं पढ़ूंगी, आप लोग चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। तो देखिए, पहली वैकेंसी है श्री शंकरा ट्रस्ट से, जो कि केरला से आई हुई है। तो यहाँ पे देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स, असिस्टेंट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स 1, ये सब एक एक करके वैकेंसी है। फिजिक्स में है, लाइब्रेरियन ग्रेड 4 के लिए है, LD क्लर्क के लिए वैकेंसीज है। तो देखिए, आप लोगों का क्वालिफिकेशंस एंड एज अकॉर्डिंग टू UGC नॉर्म्स होनी चाहिए, यूनिवर्सिटी एंड गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से होनी चाहिए। तो 1500 रुपीज़ का आप लोगों को पेमेंट करना पड़ेगा, यहाँ पे बोला गया है। एप्लीकेशंस कैन बी हैड फ्रॉम श्री शंकरा ट्रस्ट, वहाँ पे जाकर के ही आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। यहाँ पे 1500 रुपीज़ लिखा गया है फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड 1000 रुपीज़ फॉर नॉन टीचिंग। चेक विल नॉट बी एक्सेप्टेड, एप्लीकेशंस विद द कॉपीज ऑफ रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स, आप लोगों को जो भी आप लोगों का एडुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है उसका फोटोकॉपी आप लोगों को ऑफिस पर जमा करना होगा विद इन 30 डेज, ठीक है। तो 2 दिन पहले मुझे वैकेंसी का अपडेट मुझे मिली थी, तो एक ही साथ मैं अपडेट देती हूँ एक वीडियो में के अंदर, ठीक है। जैसे कि मैं बहुत बिज़ी रहती हूँ एंड आप लोग भी बिज़ी रहते होंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं एक ही वीडियो के अंदर सारा डिटेल्स कवर करती हूँ, ठीक है, अलग अलग से नहीं करती हूँ। बहुत सारा वैकेंसी, बहुत रेपुटेड स्कूल की वैकेंसी स्किप ना हो आप लोगों से, तो इसलिए आप लोग वीडियो को स्किप मत करके आप लोग वीडियो का स्पीड बढ़ा करके देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, ऐसे आप लोगों को ऑफिस पे जाकर के ही अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो ये वैकेंसी जो आई हुई है, देखिए 30 डेज यहाँ पर समय दिया गया है। तो ये वैकेंसी आई हुई है नागारूर किलीमन्नूर से, केरल से ये वैकेंसी आई हुई है। नेक्स्ट देखिए, चलिए नेक्स्ट जो वैकेंसी है, यहाँ पे PGT टीचर्स का रिकमेंड है फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। देखिए दोस्तों, ऐसा हो सकता है कि एक ही एडवर्टीजमेंट मैं रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि वो भी एडवर्टीजमेंट पे आ जाता है कभी कभी, मतलब कि कल आया है फिर परसों फिर से अपडेट आता है एडवर्टीजमेंट का, ठीक है। तो इसलिए मैं फिर से अपडेट दे देती हूँ। तो देखिए, PGT टीचर्स का रिकमेंड है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए फॉर रोजबर्ड स्कूल हावड़ा लिलुआ से वैकेंसी है। CV आप लोग सेंड कर सकते हैं रोजबर्ड रिक्रूटमेंट 1967@gmail.com पे।
यहाँ पे जो नंबर दिया गया है यहाँ पे आप लोग कॉल करके फर्दर डिटेल्स पूछ सकते हैं। नेक्स्ट की जो वैकेंसी है केटी ग्लोबल स्कूल से है, तो ये जो वैकेंसी है ओडिशा से आई हुई है, ओडिशा से भी वैकेंसी की अपडेट की डिमांड रहती है, तो आप लोग मुझे बताइएगा कि किस किस स्टेट से आप लोगों का वैकेंसी की ज़रूरत है, मैं ज़रूर लाने की कोशिश करूँगी। तो देखिए ये ओडिशा से वैकेंसी है, पीजीटी मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी बोटानी पे पीजीटी का पोस्ट है, टीजीटी का भी है, देखिए बहुत सारा सब्जेक्ट्स। देखिए सारा से सारा डिटेल्स मैं नहीं पढ़ी हूँ दोस्तों, पीआरटी पीईटी पीपीटी प्रीमाइमरी टीचर लाइब्रेरियन काउंसलर और बिहेवियरल काउंसलर ये सब का रिक्वायरमेंट है। 5 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है, बट एज अ फ्रेशर आप लोग ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, अगर चांसेस मिले तो बहुत ही अच्छा होगा। और देखिए यहाँ पे दिया गया है एमए और एमएससी आप लोगों का सब्जेक्ट्स के, जिस सब्जेक्ट के लिए आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं एमए एमएससी आप लोगों का होनी चाहिए, बीएड क्वालिफाइड होनी चाहिए आप लोगों का। अगर आप लोग टीजीटी के लिए अप्लाई कर रही है तो यहाँ पे ज़रूरत नहीं होता है कि एमए भी हो, ठीक है, बीए ओनली ग्रेजुएशन से भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और इंग्लिश में फ्लुएंसी होना ज़रूरी होता है, आप लोग ईमेल कर दीजिएगा आप लोगों का रिज्यूमे विद योर एक छोटा सा कवर लेटर लिख करके एंड फोटोग्राफ। इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस विल नॉट बी कंसिडर्ड, इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस को कंसिडरेशन नहीं दिया जाएगा। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट्स हु हैव वर्क इन रेपुटेड रेसिडेंशियल स्कूल और डे बोर्डिंग स्कूल, ठीक है। तो देखिए टीचर्स एक्सचेंज एंड करियर डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर डिफरेंट कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया यूके यूएसए सिंगापुर स्विट्जरलैंड, तो बहुत ही रेपुटेड स्कूल है दोस्तों, आप लोग रिज्यूमे सेंड ज़रूर कीजिएगा hr@iigroup.in। और एक भी ईमेल आईडी दिया हुआ है यहाँ, ये भी आप लोग नोट कर सकते हैं। देखिए जो वैकेंसी आई हुई है केटी ग्लोबल स्कूल ओडिशा से आई हुई है, अच्छी वैकेंसी है, सैलरी भी यहाँ पे आशा करती हूँ कि अच्छी ही मिलेगी। यहाँ पे देखिए फिलोसफी टीचर का रिक्वायरमेंट है, आप लोगों का पोस्ट ग्रेजुएशन एंड बीएड होनी चाहिए असिस्टेंट टीचर बनने के लिए। स्केड्यूल कास्ट के लिए वैकेंसी है, अगेंस्ट मैटरनिटी लीव वैकेंसी अप टू 14 जनवरी 2023 तक आप लोगों को काम करना पड़ेगा। पूर्व मेदिनीपुर से वैकेंसी आई हुई है, विद इन 15 नवंबर आप लोगों को जाकर के ऑल द टेस्टिमोनियल्स जमा करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। इंटरव्यू स्केड्यूल्ड हो गया है 29 नवंबर को at 12 noon, तो 12 बजे से शुरू हो जाएगी, स्कूल प्रेमिसेस में आप लोगों को पहुँच जाना होगा, ठीक है। ये जो वैकेंसी आई हुई है देखिए पता देख लीजिए, दीघा विद्या भवन अलंकारपुर पूर्व मेदिनीपुर से ही वैकेंसी है, ठीक है। नेक्स्ट जो वैकेंसी है देख लेते हैं, तौहीद मिशन से आई हुई है, तो ये वैकेंसी है पूर्व बर्धमान से ये वैकेंसी आई हुई है, तो यहाँ पे सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी लेवल के लिए रेसिडेंशियल टीचर का रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, ठीक है। ओनली शिक्षक लिखा हुआ है, तो मतलब कि यहाँ पे मेल टीचर्स का ही शायद ओनली रिक्वायरमेंट है। देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बोटनी ज्योग्राफी कंप्यूटर ये सब में रिक्वायरमेंट है, तो आप लोगों का जो इंक्लूडिंग जो जिन सब्जेक्ट में आप लोग एक्सपर्ट हो उन पे आप लोगों का ऑनर्स एंड मास्टर डिग्री होनी चाहिए, एंड बीएड जिन लोगों का है उन लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी, मतलब कि बीएड मैंडेटरी नहीं है दोस्तों, ठीक है। आवेदन का लास्ट डेट है, देखिए सॉरी आवेदन का लास्ट डेट है 10th November, ठीक है। तो आप लोगों को बोला गया है कि एप्लीकेशन लेटर आप लोगों को भेजना पड़ेगा ईमेल के दौरान mission.tauhid@gmail.com पे, फर्दर डिटेल्स के लिए आप लोग यहाँ पे कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। वैकेंसी जो है तौहीद मिशन हायर सेकेंडरी स्कूल से आई हुई है, जो कि एक रेसिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, पूर्व बर्धमान से ये वैकेंसी आई हुई है वेस्ट बंगाल से। नेक्स्ट देखिए असिस्टेंट टीचर का रिक्वायरमेंट है फिजिकल साइंस पे, आप लोगों का ग्रेजुएशन और बीएससी होने से ही आप लोग अप्लाई कर सकते हैं इन प्योर साइंस, प्रेफरेबली बीएड, मतलब कि बीएड होने से आप लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। मैटरनिटी लीव वैकेंसी है ये, और 27 जनवरी 2023 के अंदर तक आप लोगों को काम करना पड़ेगा, ठीक है। विद इन 10 डेज आप लोगों को अप्लाई करना होगा, वेरूबाड़ी गोमिरापाड़ा कुरीपाड़ा जलपाईगुड़ी से वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। बायोडाटा के साथ आप लोगों को जाकर के ऑल द डॉक्यूमेंट्स जमा करना होगा। नेक्स्ट देखिए जो वैकेंसी है फीमेल स्टाफ का रिक्वायरमेंट है, तो पीजीटी इकोनॉमिक्स बीएसटी अकाउंट्स ड्राइंग रिसेप्शनिस्ट ऑफिस असिस्टेंट ये सब का रिक्वायरमेंट है एमएनडीपी स्कूल पे, जो कि संगम बिहार से आई हुई है न्यू दिल्ली से, ठीक है। फर्दर डिटेल्स के लिए आप लोग यहाँ पे कॉल कर सकते हो, ईमेल आईडीज़ भी दिया हुआ है यहाँ पे रिज्यूम में भी, आप लोग
ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सेंट टेरेसा स्कूल से वैकेंसी आई हुई है शक्तिखंड 2। तो दोस्तों एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि सैलरी निगोशिएशन के बारे में आप लोग बहुत ही स्मार्ट वे में अप्रोच देंगे, क्योंकि जो सैलरी आप लोगों को बोली जाएगी स्टार्टिंग में वही कंटिन्यूएशन होगा 2 ईयर्स तक और 1 ईयर्स तक। ठीक है, तो इसलिए बहुत ही स्मार्ट वे में आप लोगों को अकॉर्डिंग टू योर क्वालिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस, अकॉर्डिंग टू योर क्वालिटी आप लोगों को सैलरी नेगोशिएशन उन लोगों को बताना पड़ेगा, इन्फॉर्म करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में ही आप लोगों को सारा से सारा डिटेल्स आप लोगों को बोल दे करके बात कर लेनी पड़ेगी, क्योंकि इंडिया में हर एक प्राइवेट स्कूल्स में बहुत ही कम सैलरी रहती है अकॉर्डिंग टू योर क्वालिफिकेशंस एक्सपीरियंस। तो इसलिए मैं बताना चाहती हूँ कि रिपोर्टेड स्कूल्स या कोई भी स्कूल पे आप लोग काम करना चाहते हो तो स्टार्टिंग में ही आप लोगों को अकॉर्डिंग टू योर क्वालिफिकेशंस, अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस आप लोगों को सैलरी नेगोशिएशन बहुत ही स्मार्ट वे में कर लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट जो वैकेंसी है सेंट टेरेसा स्कूल से आई हुई है जो कि गाजियाबाद से है। दोस्तों यहाँ पे देखिए रिक्वायरमेंट है फीमेल कैंडिडेट्स फ्लुएंट इन इंग्लिश, प्रेफरली हैविंग 3 to 5 ईयर्स एक्सपीरियंस, प्री प्राइमरी कोऑर्डिनेटर का रिक्वायरमेंट है। वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट कराई जाएगी 3 नवंबर को, तो ये तो आज हो गया है दोस्तों, सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट देखिए प्रूडेंस स्कूल से द्वारका से वैकेंसी है, यहाँ पर प्रिंसिपल का रिक्वायरमेंट है एट लेवल 12 ऑफ पे मैट्रिक्स, बहुत ही अच्छी सैलरी मिलेगी यहाँ पे। डिटेल्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स ऑफ जॉब एलिजिबिलिटी कंडीशंस एंड एप्लीकेशन फॉर्म आर अवेलेबल ऑन स्कूल्स वेबसाइट www.prudenceschools.com पे आप लोगों को जा करके देखना पड़ेगा, विजिट करना पड़ेगा, स्कूल के बारे में पता करना होगा। ठीक है, इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स को बोला गया है प्रिस्क्राइब फॉर्मेट पे अप्लाई करने को विद इन 15 नवंबर 2022। ठीक है, नेक्स्ट वैकेंसी है देखिए मॉडर्न स्कूल से आई हुई है, यहाँ पे फरीदाबाद से है ये वैकेंसी, यहाँ पे क्वालिफाइड ट्रेनर एंड एक्सपीरियंसड एचआर एग्जीक्यूटिव, फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव, अकाउंटेंट, एडमिशन काउंसिलर, स्टेनोटाइपिस्ट, डॉक्टर, ग्राफिक डिजाइनर, ये सब का वैकेंसीज है। गुड पे पैकेज एज पर रूल्स, हायर स्टार्ट पॉसिबल फॉर आउटस्टैंडिंग एंड डिजर्विंग वंस, ये सब के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं विद इन 8 नवंबर। आप लोगों को रिज्यूमे एंड एप्लीकेशन एंड रिज्यूम एंड फोटो आप लोगों को दे देना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए मॉडर्न edfd@gmail.com ये जो पता दिया हुआ है, ईमेल आईडी दिया हुआ है, यहाँ पे आप लोगों को सेंड कर देना पड़ेगा। ठीक है, टू द डायरेक्टर। अच्छी वैकेंसी है दोस्तों, बहुत सारा नॉन टीचिंग पोस्ट है, फरीदाबाद से मॉडर्न स्कूल से, बहुत ही रेपूटेड स्कूल है ये। नेक्स्ट देखिए SG पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल वसुंधरा गाजियाबाद से है दोस्तों ये वैकेंसी, यहाँ पे PGT इंग्लिश, TGT मैथ्स, डांस एंड म्यूजिक टीचर, ये सब का रिक्वायरमेंट है। फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकिंग हैविंग एक्सपीरियंस, वॉक इन इंटरव्यू ऑन 3 नवंबर, तो ये भी निकल चुका है दोस्तों। आप लोग चाहे तो एक बार वहाँ पे कॉल करके पूछ सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं अगर आप लोग नज़दीक से रहते हैं तो। नेक्स्ट देखिए यश मेमोरियल स्कूल से वैकेंसी है, यहाँ पे 5th and 6th नवंबर को इंटरव्यू हो जाएगा, कोऑर्डिनेटर फॉर सीनियर एंड जूनियर विंग विद इन मिनिमम 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन अ रेप्यूटेड स्कूल, TGT PRT इंग्लिश टीचर का रिक्वायरमेंट है, कैंडिडेट्स फ्लुएंट इन इंग्लिश एंड अराउंड नोएडा विल बी प्रेफर्ड। ठीक है, वेन्यू देखिए दिया गया है यश मेमोरियल स्कूल बिशनपुरा Sector 58 नोएडा से वैकेंसी है, तो यहाँ पे कॉल करके आप लोग फर्दर डिटेल्स पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए GD गोइंग का पब्लिक स्कूल से वैकेंसी है, गुरुग्राम से है, यहाँ पे एक वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट कराई जाएगी, PGT साइकोलॉजी, करियर एंड गाइडेंस काउंसिलर, एडमिशन कोऑर्डिनेटर, फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग मैनेजर, सोशल मीडिया मैनेजर, कंटेंट राइटर, ग्राफिक डिज़ाइनर, ये सब का रिक्वायरमेंट है। तो 12 नवंबर को वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट कराई जाएगी सुबह 9 बजे से 1 बजे तक। वेन्यू दिया गया है GD गोयनका पब्लिक स्कूल Sector 48 गुरुग्राम। ठीक है, रिसेंट फोटोग्राफ एंड बायोडाटा आप लोग सेंड कर सकते हैं। ठीक है, कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड अर्लियर नीड नॉट अप्लाई अगेन, तो आगे अगर आप लोग अप्लाई कर चुके होंगे तो फर्दर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो वेबसाइट दिया गया है यहाँ पे जा करके आप लोग फर्दर डिटेल्स चेक कर सकते हैं, या तो फिर यहाँ पे कॉल करके कोई भी डिटेल्स पूछ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आप लोगों को ले जाना पड़ेगा फोटोग्राफ, न्यूट्रिशन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड बायोडाटा। ठीक है, इंटरव्यू देने के लिए गुरुग्राम में ही इंटरव्यू होगा GD गोयनका पब्लिक स्कूल। ठीक है, दिल्ली से एंड उसके नज़दीक UP से बहुत सारा वैकेंसी की डिमांड रहता है दोस्तों, तो आप लोग ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। न्यू एरा एजुकेशन सोसाइटी से वैकेंसी आई हुई है
जो कि न्यू दिल्ली से है। यहाँ पे न्यू एरा पब्लिक स्कूल मायापुरी से वैकेंसी है, बहुत सारा वैकेंसी है। देखिए पीजीटी टीजीटी में एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज भी आप लोग देख लीजिए, मैं मेंशन नहीं कर रही हूँ, वीडियो बहुत ही लंबी हो जाती है। संस्कृत टीचर, फिजिकल एजुकेशन, योगा टीचर, पीए टू प्रिंसिपल, अकाउंट्स असिस्टेंट, ये सब का रिकमेंड है। एंड देखिए न्यू एरा पब्लिक स्कूल द्वारका में जो है वहाँ पे पीआरटी ऑल सब्जेक्ट के लिए रिकमेंड है। तो दोस्तों एक्सपीरियंस 5 ईयर्स का मांगा गया है मिनिमम, बट एज अ फ्रेशर ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। मैं बार बार आप लोगों को बोलती रहती हूँ, अगर चांसेस मिले तो बहुत ही अच्छा होता है। अगर दोस्तों आप लोगों को जॉब मिल गया है और मेरा वीडियो को फॉलो करके आप लोगों का बहुत सारे स्कूल्स पे अप्लाई कर चुके होंगे एंड जॉब भी एक दो को मिल चुकी होंगी दोस्तों, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा, ठीक है। क्योंकि एक नौकरी मिलना बहुत ही ज़रूरी होता है लाइफ में एस्टेब्लिशमेंट के लिए, तो मुझे जान के ये बहुत ही खुशी होगी कि मैं इतना लेबर दे करके वीडियो बनाती हूँ, ठीक है। तो मुझे बहुत ही खुशी होगी सुन के कि आप लोगों को कोई भी एक को जॉब मिला है, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे 7 वर्किंग डेज फॉर्म विदिन 7 वर्किंग डेज आप लोगों को भेजना पड़ेगा सुबह 10 से 12 नून तक, ठीक है। तो आप लोगों को ऑफलाइन ही जाना पड़ेगा और आप लोग अप्लाई भी कर सकते हैं ऑनलाइन भी। तो आप लोग मायापुरी के लिए ये जो एक ईमेल आईडी दिया गया है, द्वारका के लिए भी अलग अलग ईमेल आईडी दिया गया है आप लोग रिज्यूमे एंड एक छोटा सा इम्प्रेशन कवर लेटर आप लोगों को एज अ टीचर आप लोग सेंड कर सकते हैं, इससे इम्प्रेशन बहुत ही अच्छी रहती है। नेक्स्ट जो वैकेंसी है देखिए दोस्तों, गीता रत्न इंटरनेशनल बिजनेस स्कूल से है ये। तो ये वैकेंसी जो है, ये वैकेंसी आई हुई है रोहिणी दिल्ली से। यहाँ पे प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर का रिक्वायरमेंट है। कंप्यूटर लैब असिस्टेंट, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, ऑफिस एग्जीक्यूटिव, एडमिशन काउंसिलर, रिसेप्शनिस्ट, ग्राफिक और मोशन डिज़ाइनर, ये सब का रिक्वायरमेंट है। आप लोग चाहे तो CV सेंड कर सकते हैं, जो बता दिया गया है ईमेल आईडी यहाँ पे, और वेबसाइट भी दिया गया है, यहाँ पे जाकर के भी आप लोग इंस्टीट्यूशन के बारे में फर्दर डिटेल्स देख सकते हैं। नेक्स्ट जो वैकेंसी है दोस्तों देखिए, किट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से। तो यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट करा जाएगी 7 नवंबर को। देखिए पता दिया हुआ है गुड़गांव से वैकेंसी है, हरियाणा से। तो 10:30 बजे से 1 बजे तक इंटरव्यू कंडक्ट कराई जाएगी 7 नवंबर को। असिस्टेंट प्रोफेसर इन कंप्यूटर साइंस एंड मैनेजमेंट रिकमेंड है HR एंड फिनेंस में। तो क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आप लोगों का AICTE और एंड गुरुग्राम यूनिवर्सिटी नॉर्म्स की हिसाब से होनी चाहिए। आप लोग ज़रूर अटेंड कीजिएगा इंटरव्यू विथ योर CV आप लोग आगे ही ईमेल पे ड्रॉप कर दीजिएगा info@kit.in पर, ठीक है। नेक्स्ट वैकेंसी है देखिए, उत्तम स्कूल फॉर गर्ल्स से आई हुई है, गाजियाबाद से ये वैकेंसी है। तो आप लोग अर्ली चाइल्डहुड एडुकेटर विथ NTT BEd आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। TGT बहुत सारा सब्जेक्ट्स है, PGT परफॉर्मिंग आर्ट्स, स्कूल नर्स एंड कुक फॉर कैफेटेरिया। तो हर एक एलिजिबिलिटी हर एक सब्जेक्ट्स के लिए तो कोई भी कुछ एडवर्टाइजमेंट पे नहीं दिया रहता है दोस्तों, बट आप लोग ज़रूर अप्लाई कीजिएगा अगर आप लोगों का ग्रेजुएशन है एंड विदाउट BEd भी अगर आप लोग है तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, एंड मास्टर्स एंड BEd है तो बहुत ही अच्छा है, ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे ईमेल आईडी दिया हुआ है, यहाँ पे आप लोगों को लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड रिज्यूमे सेंड कर देना पड़ेगा। नेक्स्ट जो है देखिए, यहाँ पे फिजिकल साइंस टीचर एंड विथ मैथ्स टीचर रिकमेंड है सेकेंडरी सेक्शन में। CV आप लोग सेंड कर सकते हैं lajpatedu@gmail.com पे इन खिदीरपुर से एक स्कूल की वैकेंसी आई हुई है, यहाँ पे आप लोग ईमेल आईडी पे रिज्यूमे सेंड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है देखिए, मिल्लत बॉयज़ स्कूल से वैकेंसी है, Uttar 24 Paragana हड़वा से वैकेंसी आई हुई है। तो यहाँ पे फर्दर डिटेल्स के लिए आप लोग यहाँ पे कॉल कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए शिष्य का रिक्वायरमेंट है मैथ्स इंग्लिश में एक्सपीरियंस्ड एंड रेजिडेंशियल मेल टीचर का रिक्वायरमेंट है बोला गया, शिक्षक का रिक्वायरमेंट है, बट अगर यहाँ पे तो बोला नहीं गया है शिक्षिका का के बारे में कुछ बोला नहीं गया है, तो मेल टीचर ही ज़्यादा प्रेफरेंस यहाँ पे मिलेगा मेल टीचर्स को ही, ठीक है। सैलरी नेगोशिएशन हो जाएगी, तो जल्द से जल्द कॉन्टैक्ट करने के लिए बोला गया है। यहाँ पे देखिए बहुत सारा नंबर्स दिया गया है, यहाँ पे आप लोग कॉल करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। Uttar 24 Paragana हड़वा वेस्ट बंगाल से वैकेंसी आई हुई है। नेक्स्ट जो वैकेंसी है देखिए,
फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री कॉमर्स टीचर का रिकमेंड है फॉर इमानुएल इंग्लिश स्कूल मालदा से है ये वैकेंसी। यहाँ पे कॉल करके आप लोग फादर डिटेल्स पूछ सकते हैं और सीवी सेंड भी कर सकते हैं paulson@gmail.com पे। बहुत अच्छी वैकेंसी होगी दोस्तों, क्योंकि ईमेल से ही पता लग रहा है कि रिपोर्टेड स्कूल्स होगी, तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। नेक्स्ट जो वैकेंसी है देखिए, द ऑक्सफोर्ड स्कूल से है, बेंगलुरु से। तो यहाँ पे देखिए, द ऑक्सफोर्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लिए आप लोगों का अकॉर्डिंग टू CBSE एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल एंड कोऑर्डिनेटर, प्री प्राइमरी टीचर्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल टीचर्स, ये सब का रिक्वायरमेंट है। बहुत सारा सब्जेक्ट्स यहाँ पे दिया गया है सीनियर सेकेंडरी स्कूल टीचर्स। एंड द ऑक्सफोर्ड इंग्लिश स्कूल के लिए एलिजिबिलिटी भी आप लोगों का होनी चाहिए CIACE के हिसाब से। यहाँ पे प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल और कोऑर्डिनेटर्स का रिक्वायरमेंट है, प्राइमरी मिडिल और हाई स्कूल टीचर्स। बहुत सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे दिया गया है देखिए, इंग्लिश, कन्नड़ा, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी एंड सोशल साइंस, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स एंड कमर्शियल स्टडीज़। बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर देखिए। और भी एक स्कूल है देखिए, इसके ब्रांच के हिसाब से ही दिया गया है, द ऑक्सफोर्ड इंग्लिश हायर प्राइमरी एंड हाई स्कूल में आप लोगों का कर्नाटका स्टेट बोर्ड के हिसाब से एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। बहुत सारा यहाँ पे भी है, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेटर, टीचर्स, को स्कॉलरस्टिक पोजीशंस, नॉन एकेडमिक पोजीशंस, यहाँ पे भी बहुत सारा वैकेंसीज दिया गया है। द ऑक्सफोर्ड स्कूल से वैकेंसी आई हुई है जो कि बेंगलुरु से है दोस्तों। आप लोग रिज्यूमे में सेंड कर सकते हैं। अट्रैक्टिव सैलरी यहाँ पे दी जाएगी विथ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के हिसाब से। रिज्यूमे सेंड कर सकते हैं आप लोग। स्कैन कॉपीज ऑफ एकेडमिक क्रेडेंशियल्स आप लोगों को सेंड करना पड़ेगा विथ योर रिज्यूमे। यहाँ पे देखिए, ईमेल करना पड़ेगा chairman@theoxford.edu पर। विद इन 10 डेज आप लोग सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो वैकेंसी आई हुई है देखिए, भिवगी और ग्रुप ऑफ स्कूल से यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट कराई जाएगी 6 नवंबर को सुबह 9 से 5 बजे तक। तो एकेडमिक, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स, नॉन एकेडमिक, ये सब में रिकमेंड है देखिए। बहुत सारे एकेडमिक में देखिए बहुत सारे वैकेंसीज है, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेटर, प्रिंसिपल, प्राइमरी, बहुत सारे वैकेंसीज हैं यहाँ पे। तो आप लोग ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स में, नॉन एकेडमिक में बहुत सारे वैकेंसीज है, आप लोग देख लीजिए अकॉर्डिंग टू योर क्वालिफिकेशन आप लोग ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। तो इंटरव्यू का लोकेशंस यहाँ पे दिया गया है देखिए, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। जो भी लोकेशंस के लिए आप लोग अप्लाई करना चाहते हो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अगर आप लोग नज़दीक रहते हो तो। अच्छी सैलरी है, अच्छी प्लेसमेंट एंड अच्छी पोजीशंस के लिए दोस्तों अलग स्टेट के बारे में सोचना ही पड़ेगा। तो डोंट थिंक अबाउट योर लोकेशन, ठीक है। अपने स्टेट में रह करके आप लोग शायद कुछ नहीं कर पाएंगे, सैलरी अच्छी नहीं होगी, बट अलग स्टेट में आप लोगों को सैलरी अच्छी मिलती होगी अगर, तो आप लोग ज़रूर अलग स्टेट के लिए अप्लाई ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। CV आप लोग सेंड कर सकते हैं विद योर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ www.vgos.org और वहाँ पे जाकर के करियर सेक्शन पे आप लोगों को CV अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो वॉकिंग इंटरव्यू के दिन आप लोगों को पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ एंड CV ले जाना पड़ेगा और यहाँ पे जाकर के करियर सेक्शन पे आप लोगों को CV अपलोड भी करनी पड़ेगी, ठीक है। टोल फ्री नंबर दिया गया है और स्कूल का वेबसाइट भी दिया गया है दोस्तों, आप लोग जाकर के विजिट कर सकते हैं, स्कूल के बारे में पता कर सकते हैं। भिवगी और ग्रुप ऑफ स्कूल से वैकेंसी आई हुई है, सुबह 9 से 5 बजे तक 6 नवंबर को इंटरव्यू कंडक्ट कराई जाएगी। नेक्स्ट वैकेंसी है देखिए, झारखंड से है, माउंट लिटरेस स्कूल से है दोस्तों, ग्रेट स्कूल, ग्रेट फ्यूचर, झारखंड से, झारखंड देवघर से है वैकेंसी। ये बहुत सारे वैकेंसी से बहुत रेपूटेड स्कूल है ये। प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, PGT, TGT, PRT के लिए रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। बहुत बहुत बड़ी बड़ी यहाँ पे एक्सपीरियंस दी हुई है, बट मतलब कि मैं कहना चाहती हूँ कि एज अ फ्रेशर ज़रूर आप लोग अप्लाई करते रहिएगा। अगर चांसेस मिल जाए, एक बार चांसेस मिल जाए तो आप भी एक्सपीरियंस कर सकेंगे एक दो ईयर्स की, ठीक है। एक्सपीरियंस शुरू होते ही काम में ज्वाइन करने के लिए, ज्वाइन करने से आप लोगों का एक्सपीरियंस गेनिंग होती रहेगी, ठीक है। आप लोगों को ज्वाइन करना बहुत ही ज़रूरी होता है, तो आप लोग ज़रूर एज अ फ्रेशर भी ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, अगर चांसेस मिले तो बहुत ही अच्छा होगा। DAV स्कूल्स में भी एज अ फ्रेशर चांसेस दिया जाता है वहाँ पे, तो यहाँ पे तो दी जा सकती है। माउंट लिटरेस स्कूल भी बहुत ही रिप्यूटेड स्कूल है दोस्तों। डांस, म्यूज़िक टीचर, PTI, लाइब्रेरियन, हॉस्टल वार्डन, ये सब में भी रिक्वायरमेंट है देखिए। तो मैनेजमेंट इज़ रेडी टू पे सैलरी अकॉर्डिंग टू देयर वर्क, अकॉर्डिंग टू योर वर्क आप लोगों को सैलरी दी जाएगी। वी जस्ट वांट 100% इंग्लिश स्पोकन, डिसिप्लिन एंड क्वालिटी इनसाइड द कैंपस।
डी कम रेजिडेंशियल स्कूल फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स। यहाँ पे रेजिडेंशियल स्कूल रेजिडेंस दिया जाता है बॉयज़ एंड गर्ल्स को, विद सेपरेट हॉस्टल फैसिलिटी, लॉजिंग एंड फूडिंग इज़ प्रोवाइडेड इन स्कूल कैंपस फॉर टीचर्स। तो फॉर फूडिंग एंड लॉजिंग टीचर्स के लिए दिया जाएगा एंड बॉयज़ एंड गर्ल्स को सेपरेटली हॉस्टल फैसिलिटी दी जाएगी, ठीक है। तो acs.deoghar99@gmail.com पे आप लोग विद इन 10 days आप लोग दे सकते हैं, रिव्यू में सेंड कर सकते हैं दोस्तों, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, जहाँ पे कॉल, यहाँ पे कॉल करके कोई भी डिटेल्स पूछ सकते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, ठीक है। माउंट लिटरेज स्कूल में आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, झारखंड की वैकेंसी बहुत सारी डिमांड रहता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए NGI नागार्जुना ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से वैकेंसी है, रिक्रूटमेंट फॉर टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट, TGT, PRT एंड PGT में बहुत सारा सब्जेक्ट्स है, आप लोग देख लीजिए। एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी बहुत सारा वैकेंसीज़ है, देखिए टीचिंग पोजिशंस फॉर कैम्ब्रिज असेसमेंट, यहाँ पे ये सब सब्जेक्ट्स के लिए रिकमेंड है। नॉन टीचिंग पोजिशंस भी देख लीजिए, बहुत सारे वैकेंसीज है, तो आप लोग यहाँ पे ईमेल आईडी पे मेल ड्रॉप कर सकते हैं, रिज्यूमे सेंड कर सकते हैं, ठीक है। कैम्ब्रिज एंड CBSE के लिए अलग अलग सा ईमेल आईडी दिया गया है, विद इन 10 days आप लोगों को सेंड करना पड़ेगा। यहाँ पे अट्रैक्टिव सैलरी पैकेज दी जाएगी फॉर स्किल्ड पैशनेट एंड डिजर्विंग कैंडिडेट्स, ठीक है। तो www.nagarjunavidyaniketan.com पे आप लोग जा करके स्कूल के बारे में फर्दर डिटेल्स चेक कर सकते हैं और कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग कोई भी डिटेल्स जानने के लिए यहाँ पे देखिए बोला गया 13 and 19 November को वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट कराई जाएगी यहाँ पे रिक्रूटमेंट के लिए, नॉर्थ बेंगलुरु से ये वैकेंसी है। ये सब स्कूल्स में बहुत अच्छी सैलरी मिलती है दोस्तों, आप लोग ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। ये सब स्कूल्स में बहुत ही अट्रैक्टिव सैलरी दी जाती है एंड एकोमोडेशन भी शायद प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। अगर एकोमोडेशन दी भी नहीं जाए दोस्तों, आप लोगों का ऐसा सैलरी होगा आप लोग बहुत ही इजीली एकोमोडेशन कर सकेंगे शायद। नेक्स्ट देखिए नेशनल पब्लिक स्कूल से वैकेंसी आई हुई जो कि उत्तरहाली से है, हैप्पी वैली लेआउट। तो यहाँ पे अर्ली ईयर्स प्रोग्राम्स के लिए बहुत सारे वैकेंसीज, प्राइमरी मिडिल एंड सेकेंडरी के लिए भी बहुत सारे वैकेंसीज है, देखिए इंस्ट्रक्टर्स। तो सारा डिटेल्स मैं नहीं पढ़ रही हूँ दोस्तों, आप लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड सब्जेक्ट्स देख लीजिए एंड स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वीडियो को पॉज करके नोट भी कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए आप लोगों का मतलब कि कोई भी फिक्स सैलरी नहीं है, आप लोगों का अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस, अकॉर्डिंग टू योर क्वालिफिकेशन आप लोगों को रिम्यूनरेशन दी जाएगी। तो रिज्यूम आप लोग ये जो पता दिया हो, ईमेल आईडी दिया हो, यहाँ पे आप लोग ड्रॉप कर सकते हैं आप लोगों का रिज्यूम में, और बहुत सारा नंबर्स दिया हुआ है, यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस आप लोग जान पाएंगे, ठीक है। बेंगलोर से ये वैकेंसी आई हुई उत्तराहली से, नेशनल पब्लिक स्कूल बहुत ही रिपूटेड स्कूल है दोस्तों, आप लोग ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, नेशनल पब्लिक स्कूल उत्तराहली से वैकेंसी आई हुई है। नेक्स्ट देखिए चलिए यहाँ पे जो वैकेंसी आई हुई है पैसिफिक वर्ल्ड स्कूल से है, यहाँ पे PRT, TGT, PGT एक्टिविटी टीचर्स का रिक्वायरमेंट है, आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सारा डिटेल्स मैं नहीं पढ़ी हूँ, आप लोग बोर भी हो जाते होंगे और टाइम भी बहुत लग जाती है एंड वीडियो बहुत लंबी हो जाती है दोस्तों। तो CV आप लोग सेंड कर सकते हैं, ये जो पता दिया हो, ईमेल आईडी दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कॉल करके आप लोग फर्दर डिटेल्स भी पूछ सकते हैं। द पैसिफिक वर्ल्ड स्कूल बाय DPS इंदिरापुरम, DPS की बाय DPS कंट्रोल है स्कूल, पैसिफिक वर्ल्ड स्कूल से वैकेंसी आई हुई जो कि नोएडा इंदिरापुरम से आई हुई है, ग्रेटर नोएडा से। नेक्स्ट जो वैकेंसी है देखिए स्कूल ऑफ इंडिया से आई हुई है, और ये जो वैकेंसी है बेंगलुरु से आई हुई है दोस्तों, बहुत सारे वैकेंसीज है, देखिए ये सब स्कूल्स में बहुत अच्छी सैलरी मिलती है, मैं जानती हूँ इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ दोस्तों। PGT, PRT, TGT में रिक्वायरमेंट है, ठीक है, बहुत सारे वैकेंसीज है यहाँ पे। तो आप लोगों का ये सब स्कूल में काम करने के लिए स्पोकन इंग्लिश बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, इंग्लिश में बहुत अच्छी होनी चाहिए दोस्तों आप लोगों का, जब जिन सब्जेक्ट से ही आप लोग बिलोंग करते हो दोस्तों, आप लोगों का इंग्लिश में स्पोकन एंड रिटन बहुत ही अच्छी होनी चाहिए एंड यहाँ पे BEd मैंडेटरी होता है दोस्तों, ठीक है। एक्सेलेंट रिम्यूनरेशन विल बी ऑफर्ड, यहाँ पे बहुत ही अच्छी रिम्यूनरेशन दी जाएगी आप लोगों को रिज्यूमे एंड आप लोगों का लेटेस्ट फोटोग्राफ आप लोग सेंड कर सकते हैं ईमेल आईडी पे, और यहाँ पे ऑफलाइन भी दे सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इनवेलप के ऊपर आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जिन पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई करना चाहते हो वो यहाँ पे मेंशन करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे ऑफलाइन ही आप लोगों को पोस्ट करना पड़ेगा, और फर्दर डिटेल्स के लिए आप लोग यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, अगर आप लोग ईमेल कर पाए तो बहुत ही अच्छा होगा, तो आप लोग एक बार कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं।
नेक्स्ट वैकेंसी जो है दोस्तों, ये एक एयरफोर्स स्कूल से है, तो चाकेरी कानपुर से ये वैकेंसी आई हुई है। यहाँ पे देखिए बहुत सारा पोस्ट है, पीजीटी इंग्लिश, यहाँ पे सैलरी भी बहुत अच्छी दी जा रही है। गवर्नमेंट स्कूल की एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की बहुत ही डिमांड होती है दोस्तों, तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। एयरफोर्स स्कूल से वैकेंसी है यहाँ पे, तो पीजीटी इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, केमिस्ट्री, टीजीटी साइंस, एनटीटी, लैब अटेंडेंट, पार्ट टाइम इंस्ट्रक्टर, एरो मॉडलिंग, ये सब से वैकेंसी है दोस्तों। पार्ट टाइम इंस्ट्रक्टर, बैंड मास्टर, ये सब से वैकेंसी है। ठीक है, बहुत सारी वैकेंसीज हैं यहाँ पे, तो डिज़ायरेबल भी बहुत क्वालिफिकेशन दिया गया है डिज़ायरेबल, तो ये सब है, तो आप लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे देखिए एडवर्टाइजमेंट का ये डेट दिया हुआ है 31 अक्टूबर, तो यहाँ पे दोस्तों कुछ तो डिटेल्स नहीं दिया गया है कि कैसे अप्लाई करना होगा या नहीं। आप लोग एक बार यहाँ पे गूगल पे जा कर के चाकेरी कानपुर एयरफोर्स स्कूल करके जा कर के ऑफिशियल वेबसाइट पे पता कर लीजिएगा, एंड यहाँ पे ये अप्लाई हो जाएगा शायद। ठीक है, तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा आप लोग, रेफ़र एडवर्टाइजमेंट नंबर आप लोगों को रेफ़र करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे बोला गया है सर्विंग स्टाफ ऑफ द स्कूल हु अप्लाई फॉर द पोस्ट विल बी एलिजिबल फॉर द सेम, तो जिन लोग एयरफोर्स स्कूल में काम कर रहे हैं उन लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कैंडिडेट्स एटलीस्ट 2 ईयर्स कंटिन्यूस सर्विस इन एनी एयरफोर्स स्कूल बट प्रेजेंटली नॉट वर्किंग इन एयरफोर्स स्कूल विल बी गिवन एज रिलैक्सेशन अप टू एक्सटेंड ऑफ सच सर्विस रेफर्ड इन एयरफोर्स स्कूल। ठीक है, तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा आप लोग, देख लीजिएगा कैसे अप्लाई करना है। एंड यहाँ पे जागरण कानपुर, ये चाकेरी कानपुर से वैकेंसी आई हुई है। नेक्स्ट जो वैकेंसी है दोस्तों, श्री रातपुरा सरकार से आई हुई है, ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से, तो यहाँ पे नर्सिंग कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, एजुकेशन कॉलेज, बीपीएड कॉलेज रायपुर, क्वालिफिकेशंस एज पर आप लोगों का आईएनसी और पीसीआर और एनसीटी की नॉर्म्स के हिसाब से होनी चाहिए। बहुत सारे असिस्टेंट प्रोफेसर एंड प्रिंसिपल का रिक्वायरमेंट है, एडमिन स्टाफ, लोकेशन यहाँ पे दिया गया है, बहुत सारे लोकेशन से वैकेंसी आई हुई है। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे दिया गया है, आप लोगों का जो भी जानकारी जाननी हो आप लोग यहाँ से जान सकते हैं। ईमेल आईडी यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे आप लोग रिज्यूमे सेंड कर सकते हैं। ठीक है, श्री रावतपुरा सरकार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से वैकेंसी आई हुई है। नेक्स्ट जो वैकेंसी है दोस्तों, CBSE एंड CIAC रेजिडेंशियल स्कूल से वैकेंसी है, न्यू एरा स्कूल्स मॉर्बी गुजरात से वैकेंसी है। प्रिंसिपल कोऑर्डिनेटर, वाइस प्रिंसिपल, हॉस्टल वार्डन, पीजीटी टीजीटी पीआरटी, ऑल स्ट्रीम सब्जेक्ट्स के लिए रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे डांस, म्यूजिक एंड आर्ट टीचर, काउंसिलर, ये सब के लिए रिक्वायरमेंट है। स्पोर्ट्स कोचेस, लाइब्रेरियन, ये सब के लिए रिक्वायरमेंट है दोस्तों। गुजरात से ये वैकेंसी आई हुई है, आप लोग चाहे तो रिज्यूमे सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे करंट फोटोग्राफ एंड लेटेस्ट सैलरी स्लिप, अगर आप लोग कोई भी काम कर रहे हैं वहाँ पे आप लोग यहाँ पे ये दिखा सकते हैं। ठीक है, तो jobs.nepes@gmail.com पे आप लोग रिज्यूम सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे नंबर भी दिया गया है, यहाँ पे कॉल भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, मेल की सब्जेक्ट पे आप लोगों को पोजीशन आप लोगों का मेंशन कर देना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए गीता रत्न जिंदल पब्लिक स्कूल से वैकेंसी है, जो कि रोहिणी दिल्ली से है। यहाँ पे भी बहुत सारे वैकेंसीज है, पीजीटी टीजीटी एंड अदर्स में, एंड हेडमिस्ट्रेस के लिए भी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, आप लोगों का क्वालिफिकेशंस अकॉर्डिंग टू CBSE नॉर्म्स होनी चाहिए, इंग्लिश में फ्लुएंसी होना ज़रूरी है दोस्तों। विद इन 7 डेज, मतलब कि ये वैकेंसी मुझे 2 दिन पहले मिली थी, ये वैकेंसी की अपडेट मैं फिर से दे रही हूँ आप लोगों को। ठीक है, मेल कर सकते हैं आप लोगों का रिज्यूमे। ठीक है, ये यहाँ पे जो मेल आईडी दिया गया है यहाँ पे आप लोग सेंड कर सकते हैं आप लोगों का लेटेस्ट रिज्यूमे, एंड उसके साथ एक इम्प्रेसिव छोटा सा कवर लेटर आप लोग जोड़ दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वैकेंसी है, देखिए बहुत ही हेजी है, एक हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए ऑनर्स आप लोगों का होनी चाहिए, एम ए और एम एस सी होनी चाहिए। ऑनर्स सिर्फ होने से भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। विषय दिया गया है फिजिक्स, मैथमेटिक्स, लाइफ साइंस, बंगाली। यहाँ पे फूडिंग एंड लॉजिंग आप लोगों को फ्री में मिल जाएगी, एंड बहुत ही रेस्पेक्टफुल यहाँ पे आप लोगों को सैलरी दी जाएगी दोस्तों। विद इन 15 डेज आप लोगों को बायोडाटा दे करके अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ऑफलाइन ही आप लोगों को देना पड़ेगा दोस्तों। देखिए मौलाना आजाद एकेडमी हेलन बागनान हावड़ा से वैकेंसी आई हुई है, यहाँ पे जा कर के आप लोगों को कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, उसके आगे एक बार आप लोग कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो वैकेंसी है दिल्ली पब्लिक स्कूल से है दोस्तों, दिल्ली पब्लिक स्कूल ग्रेटर नोएडा से वैकेंसी आई हुई है।
देखिए यहाँ पे तो कंट्रेक्चुअली रिक्रूट किया जाता है दोस्तों, बट अकॉर्डिंग टू योर परफॉर्मेंस यहाँ पे आप लोगों को रखा भी जाता है, परमानेंट भी किया जाता है दोस्तों। पीजीटी टीजीटी पीआरटी में देखिए रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे बहुत सारा सब्जेक्ट्स यहाँ पे दिया गया है, आप लोग नोट कर सकते हैं। अगर आप लोगों का सब्जेक्ट्स मिले तो आप लोग ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। देखिए बहुत सारा रिक्वायरमेंट है यहाँ पे टीचिंग एंड नॉन टीचिंग में, सारा डिटेल्स मैं नहीं पढ़ रही हूँ, आप लोग ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को या इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। कंप्लीट एप्लीकेशन अलोंग विथ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स मे बी ईमेल्ड एट hr.dps@gmail.com पे विदिन 10 डेज आप लोग को भेज देना होगा, ठीक है। जल्द से जल्द आप लोग अप्लाई कर दीजिए, बहुत सारा पोस्ट है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे DPS में बहुत अच्छी सैलरी मिलती है। इनका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होता है दोस्तों, ये भी बहुत ही वैल्यूएबल होता है अगर आप लोग ठीक से काम करें तो। अकॉर्डिंग टू योर वर्किंग परफॉर्मेंस आप लोगों को अच्छी सैलरी भी दी जाती है यहाँ पे, एंड परमानेंट बेसिस पे परमानेंट भी किया जाता है यहाँ पे। तो कॉन्ट्रेक्चुअली रिक्रूट तो किया जाता है, बट परमानेंट यहाँ पे किया जाता है आप लोगों को, ठीक है। अकॉर्डिंग टू योर क्लास कंट्रोलिंग पावर, अकॉर्डिंग टू योर परफॉर्मेंस, ठीक है। यूपी की वैकेंसी की बहुत सारी डिमांड रहता है दोस्तों, ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। केजरीवाल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड देव स्टडीज से वैकेंसी है, ये रांची से आई हुई है दोस्तों। यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर, एडमिन काउंसिलर, ग्राफिक्स एंड वेब डिज़ाइनर, ये सब का रिक्वायरमेंट है। 500 rupees DD कटा करके, डिमांड ड्राफ्ट कटा करके, इन द फेवर ऑफ केजरीवाल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट स्टडीज़ आप लोगों को अप्लाई करना होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज आप लोगों का AICTE नॉर्म्स के हिसाब से होनी चाहिए, ठीक है। तो विद इन 19 November आप लोगों को अप्लाई कर देना होगा, ठीक है। रांची झारखंड से वैकेंसी है। नेक्स्ट वैकेंसी देखिए जो आई हुई है चाकदह मॉडल स्कूल से, यहाँ पे PGT BEd हिंदी टीचर का रिक्वायरमेंट है, हिंदी टीचर का डिमांड रहता है दोस्तों। तो हिंदी टीचर यहाँ पे रिक्वायरमेंट है PGT BEd के लिए। हिंदी टीचर मैंने मुझको एक कैंडिडेट एक स्टूडेंट मुझे कमेंट किया था एक कैंडिडेट ने, तो आप लोग अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं। हिंदी टीचर का रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, चाकदह मॉडल स्कूल से वैकेंसी आई हुई है। यहाँ पे आप लोग रिज्यूमे सेंड कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं फर्दर डिटेल्स सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जानने के लिए। चाकदह मॉडल स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल है दोस्तों ये, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की वैकेंसीज, ऐसे ही छोटी बड़ी बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली है, ठीक है। यही सीजन है टीचर रिक्रूटमेंट होने की। अगले 3-4 months में बहुत सारा वैकेंसीज निकलने वाली है DAB DPS एंड अदर स्टेट से, अदर रेपूटेड स्कूल से दोस्तों। कोई भी स्टेट से DAB DPS APS एंड अदर स्कूल की जो भी रेपूटेड प्राइवेट स्कूल होती है, एंड गवर्नमेंट स्कूल का तो निकल ही रहा है दोस्तों। तो चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। अगर वीडियो का कंटेंट आप लोगों के लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहे, आप लोग एक लाइक एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ़ यू।